आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिमी ग्रेसवाल की डाइट प्लान एंड वर्कआउट रूटीन के बारे में। जैसे कि सिमी ग्रेसवाल आज भी इतनी खूबसूरत नज़र आती हैं कि उन्हें देखकर उनकी उम्र का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। सिमी ग्रेसवाल अभी 75 इयर्स की हो चुकी हैं, जिस उम्र में आम लोगों में कई तरह की शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं, वहीं सिमी इतनी फिट और खूबसूरत नज़र आती हैं। इसके पीछे का उनका डेली का रूटीन, उनका लाइफस्टाइल और उनका वर्कआउट है। क्या वर्कआउट फॉलो करती हैं, कौन सा डाइट प्लान फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से इतनी उम्र में भी वो काफ़ी यंग और खूबसूरत नज़र आती हैं, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके साथ में हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड सारी टिप्स एंड वीडियो शेयर करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सिमी ग्रेसवाल का डाइट प्लान। सिमी ग्रेसवाल बहुत ही डाइट प्लान में स्ट्रिक हैं, वो काफ़ी हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करती हैं। सिमी ग्रेसवाल अपनी दिन की शुरुआत एक ग्लास गर्म गुनगुने पानी से करती हैं, जिसमें वो थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा अदरक मिलाना पसंद करती हैं। सिमी का मानना है कि ऐसा करने से उनकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और उन्हें पूरे दिन के लिए एनर्जी भी मिल जाती है। इसके अलावा सुबह सुबह हाइड्रेट होने से वो काफ़ी एक्टिव महसूस करती हैं। इसके अलावा वो अपनी ब्रेकफास्ट में काफ़ी हेल्दी कॉर्नफ्लोर्स के साथ में मिल्क लेना पसंद करती हैं। इसके अलावा वो कभी कभी ओट मिल्क खाना भी पसंद करती हैं। इसके अलावा वो अपनी लंच को काफ़ी ज़्यादा हल्का और हेल्दी रखती हैं, जिसमें अक्सर वो घर का बना हुआ खाना प्रेफर करती हैं और उसके साथ साथ योगर्ट और वन बाउल सैलड खाना कभी नहीं भूलती। सिमी को योगर्ट और सैलड काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो कभी भी इसे स्किप नहीं करती हैं। इसके अलावा वो फ्रूट जूसेस भी काफ़ी अच्छी मात्रा में लेती हैं। इसके अलावा अगर हम सिमी के वर्कआउट की बात करें तो सिमी अपने दिन की शुरुआत आधा घंटा मॉर्निंग वॉक से करती हैं। इससे उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि सुबह वॉक करने से ना सिर्फ आपको फ्रेश एयर मिलती है बल्कि विटामिन डी भी नेचुरली मात्रा में आपको मिल पाती है, जो आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर देती है। इसके अलावा वो ब्रेकफास्ट करने के बाद में अपना योगा करती हैं और योगा वो लगभग आधा घंटा रोज़ाना करती हैं। योगा करने से ना सिर्फ वो फिट रहती हैं बल्कि मेंटली भी रिलैक्स रहती हैं, किसी टाइप का डिप्रेशन नहीं होता। इसके अलावा काफ़ी अच्छे हार्मोन्स लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा खुश और रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा वो टाइम मिलने पर जिम जाना भी मिस नहीं करती हैं और यही रीज़न है कि वो इतनी खूबसूरत और फिट हैं। थैंक यू।